नमस्कार, मैं हूं तुषार पंडित। आप देख रहे हैं बोल बिंदास। यूं तो बिग बॉस के घर में हर दिन नया ड्रामा देखने को मिलता है और इस हफ्ते बिग बॉस के घर में लग्जरी बजट टास्क चल रहा है, जिसके दौरान कंटेस्टेंट के घर वाले आकर उन्हें सरप्राइज कर रहे हैं। और इसी दौरान हितेन की पत्नी गौरी आकर हिना खान की रिमांड लगा देती है। और चलिए आपको बताते हैं कि और कंटेस्टेंट को अपने परिवारों से मिलकर कैसा लगा। बिग बॉस के सबसे सुलझे सदस्य हितेन से मिलने उनकी पत्नी गौरी आई और गौरी ने घर में आकर हिना खान की क्लास लगाई। गौरी ने घर में सबसे पहले हितेन से बातचीत की, फिर वह हिना खान के पास गई और उन्हें कहा कि हितेन इस गेम को खेलने के योग्य है और उन्हें किसी दूसरे की सलाह की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी गौरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हिना खान को नहीं जानती हूँ, घर में उनके बिहेवियर को देखकर उनके प्रति धारणा बनाना सही नहीं है। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान परेशान हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर गलत बातें कह देता है। आपको बता दें, इस हफ्ते हुए कैप्टनसी टास्क के दौरान हिना ने हितेन को भला बुरा कहा था। उन्होंने कहा था कि वह बस विकास गुप्ता की दुम के पीछे घूमते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, वह लीडर नहीं फॉलोअर है। टास्क के दौरान हिना के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल घर में आए थे। उन्हें देखकर हिना काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। वह हिना के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्हें रिंग पहनाते हैं। प्रियांक से मिलने उनकी गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल आई। दिव्या प्रियांक को उनकी गलती का एहसास कराती है कि कैसे उनकी और बेनाफशा की नज़दीकियों ने उनको दुख पहुँचाया है। प्रियांक से ब्रेकअप की बात को दिव्या ने उन्हें बताया है, जिसके बाद प्रियांक रोने लगते हैं और दिव्या के घर से जाते ही वो दिव्या का नाम ले लेकर चिल्लाते हैं। शिल्पा शिंदे की मम्मी ने भी घर में विजिट किया। उनकी मम्मी ने सबसे कहा कि अगर वो शिल्पा को माँ कहते हैं तो वो उन्हें गालियाँ ना दे। उनकी मम्मी की बात सुनकर शिल्पा, पुनीश और विकास रोने लगे। विकास गुप्ता की माँ भी बिग बॉस के घर पहुँची। इस दौरान विकास की माँ शिल्पा से भी मिली और उन्हें गले लगा लिया। इस दौरान विकास पास ही खड़े होकर दोनों को निहार रहे हैं। अर्शी से मिलने उनके अब्बा जान आए थे, जहां बाकी कंटेस्टेंट अपने घर वालों को देखकर इमोशनल हुए, लेकिन मस्तमौला अर्शी पापा के आने पर भी एकदम बिंदास नजर आई। उनके पापा भी काफ़ी एंटरटेनिंग दिखे। उन्होंने घर में अर्शी को खास सलाह दी, तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि वह अपने बालों को पीछे बांधे, हेयर स्टाइल बदले। साथ ही यह भी मशवरा भी दिया कि वह सलमान को जनाब और सर कहकर बुलाए।